बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की जो है वो एक आउटलाइन है, इसको हम देखते हैं। ये आपके सामने स्लाइड नंबर 2 नजर आ रही है, टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। ये क्या है, देखें। सबसे पहली बात तो ये कि आपको यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के हवाले से आपको एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं वन बाय वन। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक आम बिजनेस और एक ई कॉमर्स बिजनेस के मुताबिक एक फ़र्क पता होना चाहिए। देखें, ई कॉमर्स बिजनेस वो होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मुखफ्फफ है, ई कॉमर्स। और इसके अंदर हम ये करते हैं कि एक टर्म यूज़ होती है मोटार एंड ब्रिक्स, ठीक है, या ब्रिक्स एंड मोटार शॉप। इसे हम यूके यूएसए के अंदर कहा जाता है। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी जो फिजिकल शॉप होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसे मोटार एंड ब्रिक्स शॉप कहते हैं। जिस तरह आप मार्केट में जाएं और दुकान पे जाके आप देखेंगे कि आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगे, जो कपड़े की दुकान है, कोई मोटरसाइकिल की दुकान है, ठीक है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी। अच्छा, जब हम बिजनेस को ऑनलाइन कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाती है, ठीक है, जिसमें आप सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बिजनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। फिजिकल बिजनेस के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर ऑनलाइन जो है वो हम करते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए या ऑनलाइन कामकाज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, एंड अमेजोन, ई बे, वॉलमार्ट, इट्से, दराज आर वन ऑफ देम, ठीक है। ये एक मार्केट प्लेसेस हैं। ई कॉमर्स बिजनेस आप अपनी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट बनाएं और वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स डालें और सेल कर लें, वो आपकी वेबसाइट होगी। लेकिन अगर आप किसी मार्केट प्लेस के ऊपर जाते हैं, तो उसमें आपको और बेनिफिट्स होंगे, वो जो हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप जो है वो इसमें एक खास बात यह है कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो आपको अपना जो है वो छोटे लेवल के ऊपर काम करने के लिए आपको सेटअप कॉस्ट नहीं पड़ती। देखिए, आपको पहले दुकान का बयाना देना होगा, अगर आपने फिजिकल शॉप करनी है, फिर उसके बाद आपको पेंट करवाना है, फिर फर्नीचर लेके लेना है, वहाँ पे ये सारे काम करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ एक वेबसाइट ही बनानी है, 5,000 10,000 रुपये के अंदर वो बन जाती है। फिर दुकान का एक बिजली का बिल, लड़कों की तनख्वाहें और मुलाजमीन की तनख्वाहें और दुकान का किराया, ये तमाम एक्सपेंसेस आपको बेयर करने हैं। इसमें ऐसा सिलसिला नहीं है, इतने हैवी एक्सपेंसेस नहीं होते इलेक्ट्रॉनिकली। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ई कॉमर्स जो है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी की भी एक्सेस में होते हैं। मैंने दराज पे भी ज्यादा तौर के ऊपर सेलिंग की है, तो हमारे पास जो है वो कुछ कभी कभार कुछ ऑर्डर्स जो है वो कभी चतराल से आ रहे हैं, कभी मर्दान से आ रहे हैं, कभी कराची से आ रहे हैं। यानी बस यूँ समझें, कराची टू खैबर आप एक तरीके से एक्सेसिबल हो गए। तो दुनिया में जब बड़े मार्केट प्लेसेस पे आप काम करते हैं, फिर तो आप वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं, आप यू सेल ग्लोबली बेसिकली। इसलिए उसमें यह है कि हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि अब जो है वो दौर ही ई कॉमर्स का है, और अब ऑनलाइन जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए जाए। तो इसलिए बेसिकली मैंने आपको एक डिफरेंस बताना मकसूद था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड फिजिकल स्टोर। अच्छा, अब जो ये बिजनेस साइकिल है ई कॉमर्स का, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम किसी भी उसका बिजनेस साइकिल होता है। किसी भी उस फिजिकल जो बिजनेस होता है उसका बिजनेस साइकिल ये बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। जैसे बिजनेस जो है आप शुरू करते हैं, उसकी सेटअप कॉस्ट, उसके अंदर फिर वो उसकी एक मेच्योरिटी आती है, फिर उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो फिर आगे तक चलता है सिलसिला। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि आपके बेनिफिट्स जो आपको जो आप रेवेन्यू लॉस कर रहे होते हैं, जो आप कस्टमर्स लूज कर रहे होते हैं फिजिकल बिजनेस के अंदर, वो आप गेन कर लेते हैं बेसिकली ई कॉमर्स के अंदर। अच्छा, अब ये हमने बेनिफिट्स भी देख लिए कि ई कॉमर्स मार्केट के और ट्रेडिशनल मार्केट के क्या हैं, मैंने आपको बता दिया है। जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं वो नहीं होते, दुकान का किराया, अब आप देख लें दुकान का किराया 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार रुपये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो डोमेन और वो परचेज की भी होगी, होस्टिंग, वेबसाइट, जो भी आपने वेबसाइट अगर अपनी बनाई हुई है, तो उसकी आपको ज़्यादा डोमेन और होस्टिंग पे करनी होगी, जो 3,000-4,000 रुपये होती है, 5,000 10,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। फिर अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्केल कर जाता है, तो आपको मुलाजमीन की तनख्वाह देनी पड़ेगी, जो कि इसमें ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको बहुत हैवी सैलरीज पे करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं कि जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अमेजोन के ऊपर कि देखें, ये जो अमेजोन है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है। और एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के मुताबिक जो दराज है, वो अमेजोन के सेल्स रेवेन्यू है उसका 0.04% है। अब आप ये देख लें, 0.04%, यानी दराज की ये हैसियत है। तो बहुत छोटी मार्केट है और अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वाई नॉट सेल ऑन द लार्ज मार्केट, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आ रहा है। तो डेट्स वाई वी बेसिकली प्रीफर
अमेजोन। फिर अमेजोन का आपको पता है कि इस दफा इनका जो लास्ट अभी ईयर गुजरा है, तो इसका जो क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री की जो सेल्स अगर आप देखें तो वो 22-25 बिलियन डॉलर्स रही है। ठीक है, थोड़ा सा कोरोना की वजह से भी एक इफेक्ट आया है, कोरोना इफेक्ट भी है क्योंकि लोग जो है वो घर में रहे, उन्होंने ऑनलाइन बाइंग ज्यादा की। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देखें कोरोना की वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए। ये वाहिद इंडस्ट्री है ऑनलाइन बिजनेस की जिसमें जो है वो कोरोना के पीरियड के अंदर जो बहुत स्पीड से जिसने बूम बूम लिया है, जिसने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जो है वो डेवलपमेंट किया है। अब आप ये देखें कि अमेजोन ने रिकॉर्ड सेल की है इस कोरोना के क्वार्टर्स के अंदर, और इसका जो है वो 22-25 बिलियन डॉलर इसका रेवेन्यू रहा है, जो आपके अफगानिस्तान, सोमालिया और जो छोटे इस्लामी ममालिक हैं उनके सालाना बजट से ज़्यादा है इसका एक क्वार्टर का रेवेन्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मार्केट प्लेस है। 7 मिलियन से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ हैं, पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क है। ठीक है, और 103 कंट्रीज के अंदर स्पेशली ये बहुत अपने जो है वो कदम जमा चुका है, बल्कि अब तो ये गल्फ के अंदर भी चला गया। आपके इल्म में होगा कि अब अभी रिसेंटली अमेजोन जो है वो स्टार्ट हो गया है यूएई के अंदर भी और सऊदीया के अंदर भी। ठीक है, तो सऊदी अरब के अंदर भी इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर भी बाइंग सेलिंग जो है वो लोग अब इस पे अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसकी ये आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क फैलता जा रहा है, और ये अब आगे दौर ही ई कॉमर्स का है, तो लिहाजा इसने आगे ई कॉमर्स ने ही आगे अपनी जगह लेनी है। और लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, और वो प्रीफर करते हैं ऑनलाइन बाई करना। ईबे भी देखें बहुत से कंट्रीज के अंदर अभी भी टॉप के ऊपर है। यूके के अंदर ईबे नंबर वन पर है और अमेजोन नंबर टू पर है। ठीक है, अभी चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ईबे अभी भी टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेजोन अभी विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, विद रिस्पेक्ट टू इट्स बिजनेस साइज अभी भी टॉप पर आ रहा है। डेट्स वाई वी प्रीफर टू गो टू द लार्जेस्ट मार्केट। और सेकेंडली देखें जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा है वहीं पे आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होंगी, एज ए वी ए बात कर रहा हूँ। देखिए अमेजोन बिजनेस मॉडल्स बेसिकली तीन है, एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल और एक है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये देखें ये ना दो बिजनेस मॉडल हैं, प्राइवेट लेबल और होलसेल। हम पहले इनका कंपैरिजन देखते हैं। देखें ये तीन बेसिक बड़े बड़े बिजनेस मॉडल हैं जिन पे अमूमन अमेजोन पे लोग काम करते हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट लेबल क्या है। देखें प्राइवेट लेबल में यू क्रिएट योर ओन ब्रांड। देखें इससे क्या मुराद है, इसे समझते हैं। इससे मुराद ये है कि आपने मिसाल के तौर के ऊपर जो चीज़ लोग पहले से बेच रहे हैं आप अपनी वो खुद चीज़ प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, और आप अपना वो बेसिकली ब्रांड एक लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। अच्छा चलें इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम पहले होलसेल देखते हैं कि होलसेल क्या है। देखें यू सेल अदर ब्रांड्स प्रोडक्ट, इससे क्या मुराद है, हम पहले होलसेल को समझते हैं। देखें होलसेल ऐसा बिजनेस मॉडल होता है कि जिसमें लोग सेल कर रहे हैं और आप भी उनके साथ सेल करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक एडिडास का शूज जो है वो सेल हो रहा है किस पे, अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब अमेजोन के ऊपर जब वो सेल हो रहा है उसको सेल करने वाले 5-10 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको ग्रैप्स करना पड़ेगा, और क्योंकि ये ना थोड़ा सा दराज से मुख्तलिफ है। अमूमन दराज पे क्या होता है कि आप एक चीज सेल कर रहे होते हैं पीछे एक ही सेलर बैठा होता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता। इस पे ऐसा होता है अमेजोन के ऊपर कि अगर कोई भी एक बड़ी ब्रांड की चीज़ बिक रही है, जैसे एडिडास के शूज़ हैं, ठीक है, नाइकी के जॉगर्स हैं, तो उस लिस्टिंग के ऊपर हो सकता है मोर देन 2, 3, 4, और 5 सेलर्स बैठे हुए हों, ये इससे भी ज़्यादा बैठे हुए हों, वो उस चीज़ को सेल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है कि किसी एक ब्रांड की चीज़ को सेल कर रहा हो सकता है किसी दूसरी चीज़ को सेल कर रहा हो। ये ना एक प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड क्या है, इसका ब्रांड है NUXE न्यूक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ ब्रांड, ब्रांड नेम। अच्छा, ये ब्रांड की एक लिस्टिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसे हम कहते हैं लिस्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्टिंग आपको सामने शो हो रही है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ब्रांड न्यूक्स है और इसका जो है वो आइटम वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको पीछे ये ब्रांड की लिस्टिंग है, लेकिन ब्रांड ने परमिशन दी हुई है कि इसको कोई और लोग भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस ब्रांड के आगे होलसेलर होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ठीक है, उनसे लोगों ने परचेज करके चीज़ें और इस लिस्टिंग के ऊपर सेल की, सेल कर रहे हैं लोग। कैसे हमें पता चला,
यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू 12, देखो बस न्यू 12 तक आप देखें, न्यू 12 लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि यहाँ पर इसको 12 लोग मजीद बेच रहे हैं न्यू कंडीशन के अंदर, फ्रॉम 12.95 पौंड के अंदर। ठीक है, चले हम ये देखना चाहते हैं कौन है 12 लोग, हम ना इस इनको खोलते हैं, ये आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। अच्छा देखें, ये 12 लोग यहाँ पे आ गए, ये देखें इनके नाम दिए हमें, ये 12 लोग हैं जो देख बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑल ब्यूटी शॉप है, गॉर्जियस शॉप लिमिटेड है, ईवाईवी है, और डायरेक्ट ब्यूटी का ब्यूटिक है, और केयरथी एसएल है, ये तमाम सेलर्स हैं बेसिकली। देखें लिखा है सेलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये बेच रहे हैं, ये तमाम न्यू कंडीशन में बेच रहे हैं, और ये प्राइसेस उन्होंने लगाई हुई हैं। नीचे फ्री डिलीवरी है, किसी का डिलीवरी के चार्जेस हैं। कि इसमें आपकी, अब देखें ये जो न्यूक्स का जो था ना ऑयल लोशन, ये आपका नहीं था, ये ब्रांड आपने नहीं लॉन्च किया, ये न्यूज कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज होलसेल बिजनेस मॉडल। इन कॉन्ट्रास्ट व्हाट इज द प्राइवेट लेबल मॉडल, प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिस तरह न्यूज कंपनी ने अपना वो ब्रांड लॉन्च किया है, वो जो ब्रांड है बेसिकली न्यूज, उसने अपनी एक वो जो प्रोडक्ट थी जो हमने देखा है अभी, देखी है अभी, ऑयल वाली, ऑयल लोशन वाली, वो उसने अपनी लॉन्च की। इसी तरह मिसाल के तौर पे देखें, आपके हाथ में हो सकता है इस वक्त पेन हो सकता है आपके हाथ में पियानो का हो। अब पियानो एक ब्रांड है, आप कहते हैं कि यार मैं भी एक इसी तरह का ना एक मार्केट में अपना पेन लेकर आऊं, अपनी प्रोडक्शन करूं, अपनी नई प्रोडक्ट लेकर आऊं, और वो मेरे नाम से एक ब्रांड हो, मेरा एक अपना एक नाम हो, उस नाम से वो ब्रांड हो, और वो पर्सनल मेरा ब्रांड हो, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप एक अपना ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। होलसेल बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा था कि आपने अगर किसी और की प्रोडक्ट, किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप ब्रांड से रब्ता करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर से, या उसके होलसेलर से, उससे आप वो प्रोडक्ट्स उठाएंगे और उठा के आप सेल करेंगे कहाँ पे, यूके में, यूएसए में, इन जगहों पे मार्केट के अंदर, ठीक है, अमेजोन पे। जबकि प्राइवेट लेबल में आप क्या करेंगे, आप उस जो भी आप एक प्रोडक्ट जो आपने फाइनल की है कि यार ये मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करूंगा, ये ब्रांड लॉन्च करूंगा, उसको आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के, या किसी और जगह से अगर वो मैन्युफैक्चर होता है तो वहां से आप मैन्युफैक्चर करवा के, और आप फिर अमेजोन के वेयर हाउस में बेचेंगे, और फिर वहां पे आप उसको सेल करेंगे। तो दिस इज द बेसिकली मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्राइवेट लेबल के अंदर आप सिंगल सेलर होते हैं, जबकि होलसेल बिजनेस के अंदर आपको उस लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल सेलर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, देखें आपको एक जूता नजर आ रहा होगा, ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके ऊपर आपको नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कितने सेलर बैठे हुए हैं, इसका एक ही सेलर है, ठीक है। तो लिहाजा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट लेबल, कि ये प्राइवेट लेबल जो है वो हो रहा है, और इसके अंदर अभी इसने डेफिनेटली इस ब्रांड ने अभी परमिशन नहीं दी होगी सेल करने की, ठीक है। और ये भी यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे भी आपको नहीं नजर आ रहा होगा, अगर आपने फिलहाल स्टोर विजिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस पे देखें, इस पे भी ये सिंगल पर्सन है, नहीं ये दो हैं यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दूसरा कोई और है, या ये वो भी यही है, हो सकता है शायद अमेजोन हो, और वो इसके जो यूज आइटम है, मेरा मतलब ये है कि जो रिटर्न में आते हैं वो सेल कर रहा हो, दूसरा जो है वो अमेजोन वेयर हाउस हो। ठीक है, देखे जी अमेजोन बैठा हुआ है इस पे, तो अमेजोन भी जो है वो इस पे सेलर हुआ हुआ है, वो भी सेलर बना हुआ है, वो भी सेल सेल कर रहा है, और एथलीट डील्स है, ठीक है, ये दो सेलर्स हैं बेसिकली बैठे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होलसेल। प्राइवेट लेबल में आप क्या होते हैं, आप सिंगल सेलर होते हैं, मल्टीपल सेलर्स जो है वो होलसेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्राइवेट लेबल पे आपने अगर अपना काम करना है, तो उसके लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। यूएसए की प्राइवेट लेबल की लॉन्च के लिए आपको किसी प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करनी है, उसके लिए आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए है 20-25,000 डॉलर। अगर ये है तो बहुत अच्छी लॉन्च हो सकती है आपकी, ठीक है। और अगर आपने वो करना है यूके, तो यूके में जो है वो 10-15,000 डॉलर में भी आपका आराम से लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब जबकि होलसेल का बिजनेस जो है वो तो आप 1,000 डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखाई थी, उसकी 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी ना, प्राइस थी उसकी, तो आप उसके 10 यूनिट लेके भिजवा दें, 12 यूनिट्स लें और भिजवा दें, ठीक है। आपको लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1,000 डॉलर से स्टार्ट तो हो जाता है बिजनेस, लेकिन उसमें आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, जाहिर बात है, एक बंदा 25,000 डॉलर से काम शुरू कर रहा है, एक बंदा जो है 1,000 डॉलर से काम शुरू कर रहा है, तो जाहिर बात है प्रॉफिट और रिटर्न्स में फ़र्क तो होगा। तो
तो होलसेल बिजनेस जो है वो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उस पर फिर रिटर्न भी कम होते हैं, क्योंकि उसमें आप जितनी कम इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतने रिटर्न भी कम होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अमूमन होलसेल की जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें प्रॉफिट पर यूनिट भी कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, क्योंकि देखें सबसे पहले वो बनाई चीज़ ब्रांड है, अब ब्रांड ने भी तो कुछ कमाना है ना, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, फिर आगे वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, अब डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और फिर आगे सेल करेगा होलसेलर को, होलसेलर फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, फिर वो देगा आपको, ठीक है, और फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, फिर आप देंगे कस्टमर को, अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे, तो वो इतने सारे कमीशन ऐड होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट का मार्जिन हर एक पार्टी को कम बचता है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के अंदर क्या है, प्राइवेट लेबल के अंदर जो है वो मार्जिन ज़रा ज़्यादा है, ठीक है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये जो उससे अगला है सेकंड लास्ट रो, उसमें लिखा हुआ है लो प्रॉफिट मार्जिन, ये अमूमन 10-30% होता है, लेकिन बस ज़्यादा 30 होता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल 10-20 के दरमियान वेरी कर रहा होता है, 30 भी हो जाता है बाज़ूकात, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा है प्राइवेट लेबल, उसमें हाई रिटर्न आपके होते हैं, आप 40-60% मार्जिन भी आप जा सकते हैं, यानी आप जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं $100 की, हो सकता है वो $40 उस पर प्रॉफिट हो रहा हो या $60 भी हो सकता है उस पर प्रॉफिट हो रहा हो। अब जाहिर बात है आपने फार्मूला सुना होगा, उसके अंदर अपनी इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग फाइनेंस, इसके अंदर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो जाहिर बात है जब आप किसी प्राइवेट लेबल बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है, होलसेल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, तो ये तमाम चीज़ें आपस में इस तरह अलाइन है, ठीक है। उसके अलावा जो टाइम रिक्वायर्ड है प्राइवेट लेबल के अंदर, देखिए प्राइवेट होलसेल का जो बिजनेस है ना, वो अगर आप शुरू करना चाहें, आपका आपके पास अगर अमेजोन का अकाउंट रेडी है ना, अगर अकाउंट रेडी है तो आप 1 महीने के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस आराम से, मतलब ये प्रोडक्ट्स लेके लाइव हो जाएंगी और आप सेल करना शुरू कर देंगे 1 से 2 महीने के अंदर। प्राइवेट लेबल का बिजनेस ऐसा नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करके आप उस प्रोडक्ट को हर लिहाज से देखते हैं, उसको फाइनल करते हैं कि ये मेरे मेयार के ऊपर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, ये एक पूरा ना एक एनालिसिस है प्रोडक्ट हंटिंग का, ये एक पूरी एक साइंस है, ये ना एक साइंटिफिक नॉलेज है, इसको आपने यूँ नहीं समझना, ये बकायदा ना एक डिग्री है कि जो इस समझ लें कि जो इसमें रिक्वायर्ड होती है, एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए होता है, ये बहुत टेक्निकल नॉलेज होता है बन चुका है, और इसके अंदर बकायदा बड़ी एक सिस्टमेटिकली अब चीज़ों को देखा जाता है, और के प्रोडक्ट ये ऐसा नहीं होता कि आंखें बंद करके अच्छा इस प्रोडक्ट के 4,000 10,000 रिव्यूज़ हैं तो हम भी सेल कर देते हैं, हमें हमें भी इतना मार्केट शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई और अगर चीज़ बेच रहा है, अगर उसकी दुकान चल रही है, उस दुकान के ऊपर प्रोडक्ट बिक रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी बेचना शुरू कर दें तो आपकी भी बिकने शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, इसका पूरा एक एनालिसिस होता है, ये पूरे एक स्टेप से गुजरती है एक प्रोडक्ट, ठीक है, उसके ऊपर पूरी मार्केट रिसर्च होती है, उसके बाद आप करते हैं प्रोडक्ट फाइनल, उसके बाद फिर आपने आप कहते हैं चलें ये हम प्रोडक्ट बनवाते हैं, कहाँ से बनवाएं, आप इंडिया से बनवाएंगे, वियतनाम से बनवाएंगे, चाइना से बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, आप उसके लिए सप्लायर ढूंढते हैं, अमूमन हम प्रोडक्शन कहाँ से करवाते हैं, चाइना से करवाते हैं, हम सप्लायर ढूंढेंगे, मुख्तलिफ सप्लायर से रब्ता करेंगे, ठीक है, उससे हम ये एक नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन करेंगे उनके साथ, काफ़ी चीज़ें नेगोशिएट करने के बाद आप रेट फाइनल करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद सोर्सिंग आपने फाइनल कर ली, अब उसके बाद आपने अपने प्रोडक्शन करवानी है, प्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोडक्शन में तकरीबन 15 से 20 दिन तो उसी में लग जाते हैं, फिर अगर आपकी हैवी प्रोडक्ट है, हैवी क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी वहाँ से सी शिपमेंट के जरिए जाएगी चाइना से यूके या यूएसए, जहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसको सी शिपमेंट के जरिए 40 दिन लगेंगे, 30 से 40 दिन लगते हैं, वो 40 दिन हो गए, फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लॉन्चिंग में भी तकरीबन 10 एक दिन लग जाते हैं, लॉन्च हो जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, जाहिर बात है अगर आप 20वें पेज पर बैठे हुए अमेजोन पे, आपने एक लिखा जी कि जेल फ्लो बॉल पॉइंट, ठीक है, अब उसके तो बॉल पॉइंट बेशुमार होंगे जो उस पर सेल हो रहे होंगे, अब अमूमन जो सेलर है वो पहले पेज पे रहता है या पहले पेज से दूसरे पेज पे आ जाता है, ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होता, अब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 20वें पेज पे आ रही है तो एक तरीके से आप अमेजोन पे सेलर ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो बायर है वो 20वें पेज तक नहीं जाएगा, वो पहले दूसरे तीसरे पेज पे प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, वो ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, अब आपने 20वें पेज से उठ के पहले पेज पे आना है, उसके लिए फिर एक रैंकिंग होती है, वो एक रैंकिंग एक अलग एक साइंस है,
उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजीज ऑप्ट करनी पड़ती है, आपको एडवर्टीजमेंट कंपेन चलानी पड़ती है, उसमें भी एक टाइम लगता है, महीना 2 महीने उसमें लग जाते हैं। तो तकरीबन ये 4 से 6 या 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है प्राइवेट लेवल का, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर ये आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है और आप पहले पेज के ऊपर आ जाते हैं, बस फिर काम कम कम हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बिक्री होती हैं और आपको प्रॉफिट आ रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपने इन्वेंट्री का ख्याल रखना होता है, जैसे इन्वेंट्री खत्म हो आपने फौरी तौर के ऊपर प्रोडक्शन पीछे से करवा के चाइना से दोबारा इन्वेंट्री पहुंचा देनी होती है, बस। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था प्राइवेट लेबल और होलसेल का। अच्छा, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा सा उसका भी आपको फर्क फ्लो बता देता हूँ। होलसेल में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसमें सप्लायर ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा, सप्लायर से मुराद है मेरी यहाँ पे होलसेलर्स, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आप तलाश करेंगे जो अमेजोन पे सेल कर रहे हो, जिनकी प्रोडक्ट सेल हो रही हो। अच्छा, इसमें आपने देखा कि फलां ब्रांड सेल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप उससे रब्ता करेंगे, उसे कहेंगे भाई मैं भी, मेरा भी अकाउंट है अमेजोन के ऊपर, मैं एक सेलर हूँ, मेरा स्टोर है अमेजोन के ऊपर, मेरी कंपनी वगैरह बनी हुई है, तो मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा और अपने पास आपका अकाउंट खोल देगा। अच्छा, ये जरा अकाउंट खोलने की टर्मिनोलॉजी को समझ लें कि पाकिस्तान में आप किसी होलसेलर के पास जाते हैं तो आप उसे कहते हैं माल उठाना है, वो कहता है ठीक है, क्वांटिटी पूछेगा आपसे, सारी स्पेसिफिकेशन पूछेगा और कहाँ पहुँचाना है वो पूछ लेगा, और आप उसे थोड़ी सी एडवांस पेमेंट कर देंगे, वो आपको लेके भिजवा देगा, बस। इसमें ऐसा नहीं होता यूएसए यूके में, बाकायदा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो अकाउंट खुलवाने के लिए आपको उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, अपनी कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें आपको उसे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपके अपने पास अकाउंट खोलेगा, आपको ऑनलाइन यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, उस ऑनलाइन यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी, और वहाँ पे जाके एक तरीके से आपका पोर्टल बन जाएगा। आप ऐसे जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि एक पोर्टल क्या होता है, तो वो एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा, उस पोर्टल के ऊपर आपकी पूरी डिटेल आ रही होती है कि आपने इतने चीज़ों का ऑर्डर कर दिया है, इतनी चीज़ें इन ट्रांजिट हैं, इतनी चीज़ें पहुंच गई हैं, इतनी की शिपमेंट रहती है, इतनी चीज़ों की पेमेंट रहती है, वगैरह वगैरह। तो वो आप वहां से उसके वेबसाइट से चीज़ें जाके चीज़ें परचेज करेंगे, या वो आपको अपनी एक प्रोडक्ट की लिस्ट देगा, उसमें से आप जो प्रोडक्ट्स फाइनल करेंगे कि मुझे ये आइटम चाहिए जो अमेजोन पर मैंने सेल करने हैं, वो फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, पैसे देंगे, वहां से प्रोडक्ट्स उठ के चली जाएंगी वहां पर अमेजोन के वेयर हाउस में, वो भेज देगा। और जैसे ही अमेजोन के वेयर हाउस में गेट के ऊपर वहाँ जब पहुँचती है इन्वेंट्री, और जैसे स्कैनिंग होगी, वैसे ही स्कैन होते ही आपके आप भी वहाँ पे एक्टिव सेलर के तौर पे आ जाते हैं उस लिस्ट में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी 12 से 12 सेलर बैठे हुए थे। तो बस फिर आप भी सेल करना शुरू कर देते हैं उन प्रोडक्ट को। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगता 1 महीने से 2 महीना बस। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल का। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है उसमें आप ये करते हैं कि देखें, प्राइवेट लेबल बिजनेस में आपने अपने प्रोडक्ट बनाई और अपने अपना ब्रांड बनाया, अपने अपना ब्रांड पहले उसमें आपका अपना ब्रांड होगा प्राइवेट लेबल में, आप अपने प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के बेच रहे होते हैं, ठीक है, और आपको इसमें बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड है। होलसेल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप होलसेल मॉडल के अंदर आप को थोड़े पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, आप थोड़े पैसों से भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप चीजें परचेज करेंगे और फिर आप पे करेंगे। जबकि तीसरे नंबर पे जो है आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उसमें आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट्स लेके अपनी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, शॉपिफाई स्टोर वगैरह जैसे होते हैं, अपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। कस्टमर जब आपसे परचेज करता है तो वो आपको पे कर देता है, और आप कस्टमर को कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 10 दिन से 12 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा। आप उस प्रोडक्ट को, आपके पास तो पैसे आ गए, आप क्या करते हैं पीछे से चाइना से उठा के या किसी भी दुकान से उठा के, किसी भी होलसेलर से उठा के वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट शिफ्ट कर सॉरी शिप कर देते हैं अपने उस कस्टमर को उसके दिए हुए एड्रेस पे। अब आपने किया क्या, आपने पहले से प्रोडक्ट परचेज नहीं की, होलसेल बिजनेस मॉडल की तरह या प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल की तरह आपने बेसिकली पहले से जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकते थे, आपने पहले होलसेलर से, किसी भी दुकानदार से, किसी भी मार्केट में जहां वो चीज़ पहले बिक रही है, आपने उससे बात कर ली, अवेलेबिलिटी पूछ ली, और फिर क्या हुआ कि आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और अब कस्टमर जब आएगा और वो देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, उसको तो नहीं नजर आ रहा ना कि आपने फिजिकल क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई या नहीं पड़ी हुई, उसको तो सिर्फ एक आपकी वेबसाइट के ऊपर सामने एक
प्रोडक्ट नजर आ रही है और उसकी स्पेसिफिकेशन नजर आ रही होगी, अब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब आपके पास पहले पैसे आ गए, आप उस पैसे को लेके और आगे ऑर्डर कर देंगे कि भाई फर्ज तौर के ऊपर इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के इस एड्रेस पे शिप किए जाएं। वो कस्टमर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपना एड्रेस वगैरह पूरा दे दे देता है, वो आप को उस एड्रेस के ऊपर आप शिप कर देंगे और वो उसके उसके पास पहुंच जाएगी। अब आपने किया कि आप प्रोडक्ट को पहले से परचेस करके अपने पास नहीं रखा, प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट की, ऑर्डर आया, पैसे आ गए आपके पास, आपने उन्हीं पैसों को लेके आगे दे दिया और प्रोडक्ट को सेंड कर दिया। कस्टमर समझेगा कि जी देखें मैंने इस शॉपकीपर को ऑर्डर प्लेस किया था, इसने अपने पास से प्रोडक्ट उठाई और मुझे भेज दी। तो दिस इज नोन एज ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आके भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और आप ई बे या अमेजोन के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन के ऊपर या ई बे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की बिजनेस है। उसकी वजह है अमूमन जो लोग हैं वो कैसे करते हैं ड्रॉप शिपिंग, वो ऐसे करते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर किसी भी लिस्टिंग पे वो जब वो सेल कर रहे होते हैं किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, वो जब सेल करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने वहां पे अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। अब वो सोर्स कहाँ से करेंगे, होलसेलर से अगर उठाते हैं तो होलसेलर तो कहते हैं मुझसे कम से कम आप पीस मंगवाएं 10 या 12, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसकी। प्राइवेट लेबल में अगर आपने यूनिट्स है तो उसकी कम से कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ हम इसे बोलते हैं, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ उसकी होगी कम से कम 1,000 यूनिट। अब इधर तो आपने सिर्फ एक यूनिट या दो यूनिट आपने सेल करने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अगर वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है $10 का, तो आपको किसी और मार्केट से वो यूएसए के अंदर $8 या $9 का मिल रहा है। मिसाल के तौर पे वो वॉलमार्ट पे बिक रहा है वो यूनिट $60 का। अब आप क्या करेंगे, अगर आप अमेजोन के ऊपर आपको एक ऑर्डर आया और ऑर्डर आने के बाद आपने फौरी तौर के ऊपर ऑर्डर किया वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है, वॉलमार्ट के ऊपर से प्रोडक्ट गई और वॉलमार्ट वाले ने वो प्रोडक्ट शिप कर दी आपके उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था अमेजोन पे, वो प्रोडक्ट वहां पहुंच गई, कस्टमर को वो मिली चीज $10 की, आपने वो चीज परचेज की थी $7 की, तो आपको बचत हो गई $3 की। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को पहले से परचेज करके अपने पास से नहीं रखा, बेसिकली आपने एक कस्टमर के एक मासूम होने का फायदा उठाया, वो भोला था कस्टमर, वो अगर वॉलमार्ट में भी देख लेता शायद अमेजोन पे ऑर्डर ना देता। ठीक है, तो लिहाजा आपने उसका एक नेगलिजेंस कह लें या एक रेकलेसनेस कह लें या एक सीधा साधा और भोला वालापन कह लें, उसका एक फायदा उठाया। अच्छा, अमेजोन ये कहता है कि आप रिटेल मार्केट से उठा के रिटेल मार्केट में चीज नहीं बेचेंगे, आपने सोर्स रिटेल मार्केट में नहीं करेंगे। देखिए अमेजोन जो है वो एक रिटेल मार्केट स्टोर है जहाँ पे चीजें जो है वो रिटेल के ऊपर, आपको पता ना रिटेल और होलसेल का बिजनेस, होलसेल और रिटेल का फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमेजोन ये कहता है कि अगर आप सोर्स कर रहे हैं तो आप होलसेलर से सोर्स करें, आप रिटेल मार्केट से सोर्स ना करें। तो अगर आपने मिसाल के तौर के ऊपर रिटेल मार्केट से उठाई, जैसे आपने ईबे से उठाई और अमेजोन पे सेल कर दी, आपने वॉलमार्ट से उठाई और अमेजोन पे सेल कर दी, तो अमेजोन को अगर पता चल गया तो वो हो सकता है आप क्या अकाउंट सस्पेंड कर दें, अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, हाँ अगर आप किसी होलसेलर से लेके आगे सेल कर रहे हैं तो फिर तो ये अलाउड है, लेकिन अगर आप किसी होलसेलर से नहीं ले रहे और पीछे रिटेल मार्केट से सोर्स कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो अमेजोन उसको अलाउ नहीं करता और ना ही ईबे करता है। ईबे भी इस पे पाबंदी लगा दी है और लगी भी है, ईबे भी अलाउ नहीं करता कि आप रिटेल से उठा के रिटेल पे सेल करें, पीछे से आपको उसकी कोई इनवाइसिस वगैरह जमा करवानी होती हैं। बेसिकली जो अमेजोन का बिजनेस मॉडल है वो ये है, प्राइवेट लेबल और होलसेल। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग भी है, वो भी चलता है, लेकिन बहरहाल ये एक सिक्योर और सेफ बिजनेस मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर रिस्क ज्यादा है, रिस्क किसका है, अकाउंट सस्पेंड होने का, प्राइवेट लेबल में और होलसेल में वो रिस्क नहीं है। ठीक है, उसमें अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। तो मेरे ख्याल में से हमने एक तफसीली गुफ्तगू की इसके ऊपर के प्राइवेट लेबल बिजनेस क्या होता है, इनके बिजनेस मॉडल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो जॉब पे अप्लाई कर ही नहीं सकते अगर आपको ये नहीं पता होगा कि
ये जॉब किस बिजनेस मॉडल के मुताबिक है, तो जारी बात है आपको एक डिफरेंस इनमें क्लियर कट पता होना चाहिए।